नमस्कार, स्टेट टाइम्स की टॉप न्यूज में आप सबका स्वागत है। अभी तक की बड़ी खबरें इस प्रकार हैं। सोमवार रात बीएसएफ ने चार दिनों में पांचवें पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया, जो पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत में ड्रग्स की खेप गिराने के लिए घुसा था। मंगलवार सुबह श्रीनगर में तीसरे G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक का उद्घाटन सत्र हुआ शुरू। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग SST रोड यातायात के लिए जारी, वहीं मुगल रोड अभी भी बंद। LG मनोज सिन्हा ने सभी G20 प्रतिनिधियों को सकारात्मक परिणामों के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इससे हमें पर्यटन क्षेत्र में सतत विकास के लिए एक वैश्विक संरचना बनाने में मदद मिलेगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व में सोमवार को हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में 31 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनुमानित लागत से ट्रांसपोर्ट नगर परम्पोरा श्रीनगर के उन्नयन पुनरुद्धार को मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय पर्यटन नीति की जल्द होगी घोषणा, केंद्र सरकार देगी 100% FDI की अनुमति। पश्चिमी विक्षोभ हुआ सक्रिय, प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार, 25 मई तक बिगड़ा रहेगा मौसम। तो ये थी अभी तक की कुछ बड़ी खबरें, और खबरों के लिए देखते रहें स्टेट टाइम्स।